ठाणे पालघर में एवियन फ्लू के मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, एवियन फ्लू के मामले सामने आने से 25,000 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई। कई पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा के मामलों का पता चलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे और पालघर में निरीक्षण हॉटस्पॉट के 1 किमी के दायरे में 25,000 से अधिक पक्षियों को मारने का फैसला लिया। मंगलवार यानी 22 फरवरी को महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने कहा कि संक्रमित खेतों में काम करने वाले मजदूरों को आइसोलेट कर दिया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा के रूप में भी जाना जाता है, महाराष्ट्र में पालघर जिले के वसई विरार क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के बीच पाया गया। शुक्रवार यानी 18 फरवरी की देर रात के दौरान भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला के राष्ट्रीय संस्थान को भेजे गए नमूने के परिणाम प्राप्त होने के बाद इस बात की पुष्टि की गई। वसई तालुका के अगाशी और वतार से टर्की और बटेर सहित पोल्ट्री के नमूनों के परिणाम H5N1 स्ट्रेन के लिए सकारात्मक पाए गए। इससे पहले 17 फरवरी को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर तहसील के बेहलोली गांव में एक पोल्ट्री फार्म में लगभग 300 मुर्गियों की अचानक मौत हो गई। इन नमूनों को परीक्षण के लिए पुणे स्थित एक प्रयोगशाला में भेजा गया था और परिणामों ने पुष्टि की कि उनकी मृत्यु H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण हुई थी। इसके अलावा घटना के कारण उस समय 10 लाख से अधिक पक्षियों को मार दिया गया था। इससे पहले 2006 में महाराष्ट्र में एक विशाल बर्ड फ्लू की लहर आई थी। अब आपको बता देते हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा है क्या। दरअसल एवियन इन्फ्लुएंजा एक संक्रमण जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। बर्ड फ्लू का सबसे आम प्रकार H5N1 है, जो मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा आसानी से अनुबंधित किया जा सकता है यदि वे वायरस के वाहक के संपर्क में आते हैं। हालांकि फ्लू मानव से मानव में नहीं फैल सकता। बर्ड फ्लू संक्रमण के मामले में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण जैसे मतली, दस्त और उल्टी प्रमुख लक्षण है। इस बीच अन्य सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, सिर दर्द, दस्त, सांस लेने में कठिनाई, नाक बहना, गले में खराश आना, मांसपेशियों में दर्द और अस्वस्थता शामिल है। तो लगातार मुंबई महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बर्ड फ्लू से कई पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी और कई पक्षियों को मारने की भी तैयारी की जा रही है। न्यूज डेस्क, मेट्रो समाचार।